खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि प्रयागराज से है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरओ पेपर लीक में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने पारुल सोलेमन को गिरफ्तार किया है। बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल थी, इसी गर्ल्स कॉलेज से लीक हुआ था पेपर। जांच में सहयोग नहीं कर रही थी पूर्व प्रिंसिपल। इस वक्त की बड़ी खबर, एसटीएफ ने पारुल सोलेमन को गिरफ्तार कर लिया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गुफरान इस वक्त जुड़ गए हैं। गुफरान, आरओ एआरओ पेपर लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी माने? बिल्कुल, देखिए आरओ एआरओ की जो भर्ती परीक्षा लीक हुई थी वो प्रयागराज के बिशप जॉनसन कॉलेज से हुई थी। इस बात की पुष्टि होने के बाद एसटीएफ को जांच सौंपी थी शासन ने, और उसके बाद जो एसटीएफ है इस पूरे प्रकरण को लेकर के लगातार जांच पड़ताल में जुटी थी। तमाम गिरफ्तारियां भी एसटीएफ ने की थी। जो प्रिंसिपल स्कूल की थी तत्कालीन पारुल सुलेमान, उनसे भी दो नहीं करीब तीन नोटिस जो है एसटीएफ की तरफ से दी गई, दिया गया उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए, पूछताछ के लिए। लेकिन वो लगातार एसटीएफ को गुमराह कर रही थी, एसटीएफ के जांच में वो सहयोग नहीं कर रही थी। जिसके बाद आज एसटीएफ की टीम ने पारुल सुलेमान को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर एलिगेशन ये है कि उनके सहयोग से ही जो भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो लीक कराया गया था, और यही वजह है कि एसटीएफ ने उनको गिरफ्तार किया है और अब उनके खिलाफ जो कानूनी बिल्कुल उनके सहयोग से ही आरओ एआरओ पेपर लीक हुआ था। ये बड़ी जानकारी आप लगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुफरान इस जानकारी के लिए।